हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू आरसीई ऑनलाइन क्लास क्लास 9 सब्जेक्ट मैथमेटिक्स चैप्टर सेकंड। हम कंटिन्यू डिस्कस कर रहे थे पॉलीनोमियल्स। टुडे वी आर डिस्कस एक्सरसाइज 2.5 क्वेश्चन नंबर 7। इवैल्यूएट द फॉलोइंग यूजिंग सुटेबल आइडेंटिटीज। आपको सुटेबल आइडेंटिटी यूज करके इनको सॉल्व करना है। 99 क्यूब, 102 क्यूब। सुटेबल आइडेंटिटीज पहले हमने आपको राइट करवा दी थी। अब देखिए, इससे पहले भी हमने इस टाइप के क्वेश्चन किए थे, स्क्वायर के अकॉर्डिंग किया था। वो 99 किसके नियर अबाउट है? 100 के। तो इसको 99 को हम क्या राइट कर सकते हैं? तो सॉल्यूशन देखते हैं इसका। फर्स्ट 99 क्यूब, 99 को मैं राइट कर सकता हूँ 100 माइनस 1। 100 में से 1 माइनस करेंगे तो क्या आएगा हमारे पास? 99। एंड एज इट इज इसकी जो पावर है वो ओके। तो नियर अबाउट जीरो की हम प्लस माइनस में इससे पहले हम क्वेश्चन कर चुके हैं कि नियर अबाउट जीरो, जीरो का मल्टीप्लिकेशन इजी होता है, उतने टाइम से हम जीरो लगा दें। तो इसलिए हम नियर अबाउट जीरो के राउंड ऑफ करके देखते हैं इसको। 99 जीरो 100 के पास है, तो 99 को हम 100 माइनस 1 राइट कर सकते हैं। ये हो जाएगा 100 माइनस 1 होल क्यूब। अब देखिए, इस टाइप की आइडेंटिटी हमने डिस्कस कर चुके हैं। ये हो गया हमारे पास ए माइनस बी होल क्यूब। ए माइनस बी होल क्यूब फॉर्मूला हम यूज करेंगे। ए माइनस बी होल क्यूब फॉर्मूला क्या होता है? ए क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3a² b प्लस 3ab² ठीक है। ये जो फॉर्मूला है ये हमने आपको पहले राइट करवा दी। ए माइनस बी होल क्यूब, ए क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3a² b प्लस 3ab². अब ये आइडेंटिटी हम इसमें यूज करेंगे। देखिए, कंपैरिजन करने पे आपको पता लग रहा है वैल्यू ऑफ ए 100 के इक्वल हो गए, बी की वैल्यू क्या हो गई? 1 हो। तो इस आइडेंटिटी में हम वैल्यू ऑफ ए 100 हो गया हमारे पास और वैल्यू ऑफ बी क्या हो गया हमारे पास? 1। तो आपको जस्ट गिवन जो फॉर्मूला है आइडेंटिटी है, इसमें ए की जगह आपको 100 पुट करना है, बी की जगह आपको 1 पुट करना है। पुट करते हैं 100 माइनस 1 क्यूब, 100 क्यूब माइनस 1 क्यूब। जस्ट आपको पुट कर दे रही है आइडेंटिटी के अंदर वैल्यू 3। वैल्यू ऑफ ए क्या है हमारे पास? 100, लेकिन इसकी पावर 2 है। वैल्यू ऑफ बी 1 प्लस 3, 100 एंड बी 1, इसकी पावर क्या है? 2। तो जस्ट हमने ए की जगह 100 और बी की जगह 1 कंपैरिजन करके आइडेंटिटी ये फाइंड हुई हमारे पास। ये हमने पहले डिस्कस कर चुके हैं। आपको सारे फॉर्मूले आइडेंटिटीज याद होनी चाहिए, लर्न कर लो उसको राइट करके। जब तो ये एक्सरसाइज है हमारे पास, बिना आइडेंटिटी के हम सॉल्व नहीं कर सकते इसको। अब देखिए, 100 माइनस 1 होल क्यूब, ये तो हमारा क्वेश्चन ही बन गया। 100 में से 1 99 क्यूब। अब ये इसके इक्वल जो टर्म चाहिए इसको सिंप्लीफाई करके ये हमारा सॉल्यूशन होगा 100 क्यूब। अब देखिए, रफ में 100 क्यूब हमें सॉल्व करना है, इसकी पावर कितनी है? 3। इट मीन्स 100 3 टाइम्स मल्टीप्लाई 100 मल्टीप्लाई 100 मल्टीप्लाई 100। इसको आप कैसे राइट करेंगे? 100 मल्टीप्लाई 100 मल्टीप्लाई 100। अब देखिए, 1 × 1 = 1, 1 × 1 = 1, तो 1 तो आए। अब 0 कितनी है? 1 2 3 4 5 6 0 लगा देंगे, 1 2 3 4 5 6। तो सिंपल है, इसलिए 100 का मल्टीप्लीकेशन इजी होता है, इतने टाइम से हम जीरो रिपीट कर देते हैं। 1 क्यूब मीन्स होता है 1 × 1 × 1, 3 टाइम्स मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 ही आएगा हमारे पास। अब देखिए, इसको सिंपलीफाई करेंगे 100 स्क्वायर। सबसे पहले तो आप 100 स्क्वायर फाइंड करें। 100 स्क्वायर इट मीन्स 100 2 टाइम्स मल्टीप्लाई, जितनी पावर होती है वो गिवन डिजिट उतने टाइम्स ही मल्टीप्लाई होती है। अब जैसे पावर 3 थी तो 100 कितने टाइम्स मल्टीप्लाई हुआ? 3 टाइम्स। पावर 2 है तो 100 कितने टाइम्स मल्टीप्लाई हुआ? 2 टाइम्स। तो 1 के साथ कितनी जीरो लगानी है हमें? 4 जीरो। लेकिन 1 किससे मल्टीप्लाई हो रहा है? 3 से मल्टीप्लाई हो रहा है, 3 बन जाए 3 और साथ में इसके 4 जीरो प्लस 1 का स्क्वायर 1 × 1 = 1 ही होता है। 3 को 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 300 आएगा। अब इसको सिंप्लीफाई करें, 99 क्यूब इज इक्वल टू
अब देखिए ये प्लस का और ये भी प्लस का, तो प्लस वाले को प्लस कर लेते हैं, तो ये 6 0। अब इसमें क्या प्लस करना है, 300, क्योंकि दोनों के साथ प्लस का साइन है, ये प्लस और ये प्लस, प्लस हो जाएगा 300। प्लस कर लेते हैं इसको 0 0 3 0 0 0 5। अब इन दोनों को तो हमने प्लस कर दिया क्योंकि दोनों के साथ पॉजिटिव साइन। अब माइनस क्या करना है, 30,000 इसमें से माइनस करो। ये माइनस कर दो, 0 में से 0 माइनस करेंगे 0 0 में से 0 माइनस करेंगे 0 3 में से 0 माइनस करेंगे 3 0 में से 0 माइनस करेंगे 0। अब देखिए 0 ये 3 है, 10 माइनस को आगे वाले से ले गए 9, ये 10 हो जाएगा। 10 में से 3 माइनस करेंगे तो क्या हो जाएगा, 7, और ये 9। तो हमारे पास जो आंसर आएगा वो आएगा 9 7 0 3 0 0, तो आइडेंटिटी यूज करके ऐसे आपको सिंप्लीफाई करें। नेक्स्ट क्वेश्चन भी ऐसे करना है, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन ये हमारे पास सेकंड क्वेश्चन 102 क्यूब। अब देखिए 102 100 के नियर अबाउट है, तो इसको 100 + 2 हम राइट कर सकते हैं एंड होल क्यूब। 102 को 100 + 2 राइट किया क्योंकि आइडेंटिटी के अकॉर्डिंग सॉल्व करना है, तो आइडेंटिटी की फॉर्म हमें पहले बनानी पड़ती है, फिर हम उसमें आइडेंटिटी यूज करते हैं और बस जस्ट कंपेरिजन करके उसकी वैल्यूज पुट करते हैं, जैसे हमने फर्स्ट क्वेश्चन में देखा था। अब देखिए इसमें जो आइडेंटिटी यूज हो रही है, a प्लस बी होल क्यूब, प्लस का साइन है तो प्लस वाली आइडेंटिटी हम यूज करेंगे, a प्लस बी होल जो होगा a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3a स्क्वायर बी प्लस 3ab स्क्वायर। इसके अकॉर्डिंग चले गए, अब कंपैरिजन करेंगे कि वैल्यू ऑफ a 100 के b की वैल्यू क्या होगी, 2, a इक्वल टू 100 एंड b इक्वल टू 2। जस्ट आइडेंटिटी में पुट कर दो, 100 प्लस 2 जो आइडेंटिटी है हमारे पास, a 100 क्यूब प्लस 2 प्लस 3 100 स्क्वायर एंड वैल्यू ऑफ b 2 प्लस 3a, 100 है हमारे पास एंड b स्क्वायर मीन्स 2 स्क्वायर। जस्ट a की जगह आपको 100 और b की जगह क्या कर 2 पुट करना है आइडेंटिटी। अब इसको सिंपलीफाई करेंगे तो ये तो हमारे पास क्वेश्चन ही राइट हो जाएगा, 102 होल क्यूब। अब देखिए 100 का क्यूब अभी हमने करके देखा था, 6 टाइम्स 0 आ जाएगा, प्लस 2 का क्यूब क्या होता है, 2 × 2 × 2 8। 100 का स्क्वायर अभी करके देखा था हमने, 4 × 0, तो 4 × 0 ये 3 से मल्टीप्लाई हो जाएगा हमारे पास, तो क्या हो जाएगा 30,000। हाँ ये 3 2 से मल्टीप्लाई करते हैं साथ में, 3 2 6 60,000। 100 का स्क्वायर 4 × 0 3 2 6 प्लस 2 का स्क्वायर क्या होता है हमारे पास, 4 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, 4 × 3 = 12 आ जाएगा हमारे पास। अब देखिए सभी के साथ प्लस का साइन है, तो हम प्लस कर देते हैं इसको रखने यहाँ पर, राइट किया हमने तो प्लस का हो गया 8 + 0 8, 0 का 0 2 का 2 1 का 1 6 का 6 0 का 0 1। तो हमारे पास जो आंसर आएगा हमारे पास 102 होल क्यूब इसके इक्वल है 1 0 6 1 2 0 दैट इज 12।